बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं IRTV YouTube चैनल और मैं हूं आपका होस्ट इमरान आसिफ। बहुत लंबे अरसे के बाद आज दोबारा अपने बुजुर्ग पेंशनर्स की रिक्वेस्ट पर हाजिर हुआ हूं। एक नया मसला जाग उठा है जिसकी वजह से हमारे बूढ़े पेंशनर जो है वो परेशान हैं। मसला ये है कि हुकूमत जो है वो पेंशन को ख़त्म करने के लिए इकदाम कर रही है। जैसा कि आप पिछले 3, 4, 5 साल से सुनते आ रहे हैं कि पेंशन का मौजूदा सिस्टम जो है उसको ख़त्म करके नया सिस्टम जिसे कंट्रीब्यूशन पेंशन सिस्टम कहा जा रहा है उसको लागू करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। जैसा कि हैबर पख्तूनख्वा में कंट्रीब्यूशन पेंशन सिस्टम को लागू कर दिया गया है, तो इस वाले से हमारे वो लोग परेशान हैं जो कि पेंशन ले रहे हैं या अरसा दराज पहले से रिटायर्ड हो चुके हैं और अब पेंशनर हैं। तो क्या हुकूमत जो है जब वो पेंशन ख़त्म कर देगी तो हमारी पेंशन भी बंद हो जाएगी? इस वाले से क्वेश्चन थे कि हमें थोड़ा गाइड कर दें कि हमारा क्या बनेगा। पहली बात तो ये है कि हुकूमत जो है वो अभी इस पर इकदाम कर रही है। जैसे कि हैबर पख्तूनख्वा में ये सिस्टम लागू किया गया है तो ये सिस्टम जिस दिन से स्टार्ट हुआ है उस दिन से अपॉइंट होने वाले लोगों के लिए है। जो नए मुलाजम अपॉइंट किए जाएंगे वो इस सिस्टम के तहत अपॉइंट किए जाएंगे, उनके साथ एग्रीमेंट किया जाएगा कि आपको हम एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट पेंशन नहीं देंगे बल्कि आपके साथ हम एक वायदा कर रहे हैं जो कंट्रीब्यूशन का वायदा है, कंट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम कहा जाता है इसे। इसके तहत हम आपको रिटायर्ड करेंगे, लेकिन यानी कि आप हमारे साथ हिस्सादार बनेंगे। कुछ पैसे आप डालेंगे, कुछ पैसे गवर्नमेंट डालेगी और उनको इन्वेस्ट किया जाएगा थर्ड पार्टी के साथ, और थर्ड पार्टी के साथ हमारा ये एग्रीमेंट चलेगा। और हम जब आप रिटायर होंगे, चाहे आप 5 साल के बाद होते हैं, 7 साल बाद होते हैं, 10 बाद होते हैं, 15 या आप अपनी मियाद पूरी करते हैं, तो आपको जो रकम अदा करेगी वो हुकूमत अदा नहीं करेगी बल्कि जिस थर्ड पार्टी के साथ हमने एग्रीमेंट किया होगा वो अदा करेगी। इस सिस्टम से पुराने पेंशनर्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हुकूमत जिनको पेंशन अदा कर रही है उनको मतवातर पेंशन मिलती रहेगी वो अपने पुराने सिस्टम के तहत ही, उनकी पेंशन पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं पर्सनली काफी सारे पेंशनर्स को जवाब दे चुका हूं, लेकिन आप सब के क्वेश्चन इसी तरह के थे तो मैंने एक वीडियो बनाना मुनासिब समझा। वैसे मैं काफी अरसे से वीडियोस पे नहीं आ रहा था, एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था जिस वजह से मैं वीडियोस पे नहीं आ रहा था, लेकिन अपने बुजुर्ग दोस्तों को परेशान नहीं देख सकता था, तो आज आपके लिए ये छोटी सी वीडियो बनाई है ताकि आपकी परेशानी खत्म हो सके। कोई भी नया सिस्टम अगर लागू किया जाएगा तो वो जिस दिन नोटिफिकेशन होगा उसके बाद अपॉइंट होने वाले मुलाजमीन के लिए होगा, या फिर चंद अरसा पहले से जो मुलाजमीन जिनकी अभी सर्विस काफी सारी बाकी है 5-10 साल, उन पर लागू किया जा सकेगा। लेकिन पुराने पेंशनर जो हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं उन पर वो सिस्टम लागू नहीं होगा, वो अपनी पुराने सिस्टम के तहत बाकायदा से पेंशन लेते रहेंगे। उम्मीद है कि आपकी हौसला अफजाई हुई होगी, आप जो परेशान थे वो परेशानी खत्म हुई होगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपने भाई इमरान आसिफ को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।